गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। पूरे 4 महीने के बाद आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ गाइस। ये कॉलेज एग्जाम के चक्कर में तो आपका भाई भूल ही गया था कि उसका एक व्लॉगिंग चैनल भी है। सो अब कंटिन्यू व्लॉग आएंगे गाइस, तो अब शुरू करते हैं कुछ नए अंदाज में। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अब निकलते हैं बाहर और कुछ दोस्तों से मिल गया थे। कहा गए सुनो वो कहा गएगा? तो घर में नहीं है, मेरे को अभी बाहर जाते हुए दिखे। अरे वो काम में है, घर में काम चालू है, व्यस्त रहते हो। कैसी बात कर रहे संजीव बाबू, ये कॉल करके देखता अभी। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ ओम को मिलने, उसने उसका अभी अभी कॉल आया था। ओम अभी मेरा दोस्त रेडी हो रहा है, बाद में मेरे को आज नाश्ता भी खिलाएगा। कितना मस्त सजा के रखा है इसने, ये देखो स्टिकर वीकर। जल्दी रेडी हो ना भाई, क्या टाइम लगाता है। आ गए नाश्ता करने, ये देखिए हमारे अभी लोगों का स्टॉल है नाश्ते का। ये देखिए गाइस मेरा दोस्त वैष्णव उर्फ चुरी कॉल पे बात कर रहा है। ये किसके साथ बात कर रहा है? कौन है? कुड़ाला तिकड़े जाऊन झालो कुछ चल रहा है, बंद करना है। इधर आ रहा क्या? इधर आ। अरे भाई पूरी महफिल बैठी है यार, मैं तो अपनी। अरे नमस्कार राहुल भाव, कसा है? गाइस तो फिलहाल हमारे गांव में चल रहे महाशिवरात्रि यात्रा, ये पूरे 10 दिनों की यात्रा रहती है। बहुत ट्रैफिक रहती है यहाँ पे। आज तो गुरुवार है और गुरुवार के दिन यहाँ पे पूरा हमारे गांव का पूरा मार्केट आ जाता है। ये देखिए गाइस शाम तक ये रोड पे पूरी ट्रैफिक रहेगी, इसलिए मैं आपको ये सुबह ही दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं सामने और क्या है। ये देखिए यहाँ पे दुकान उकान तो सब लग गए, यात्रा की पूरी तैयारी। शाम तक तो यहाँ पे पूरी भीड़ लगेगी गाइस। ये देखिए पूरा मार्केट, इसको बोलते महाशिवरात्रि की यात्रा। धीरे चला भाई। शिव जी की बड़ी सी मूर्ति, वहां पे जाना है हमें। और गाइस ये हम पहुंच गए फाइनली, ओम भाई थक चुका है, सीढ़ियाँ चढ़ते। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त लगता है गाइस यहाँ आने के बाद। हाँ, फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। सुबह के टाइम में आए तो गाड़ी से यहाँ तक तो आ सके, पर रात के और शाम के टाइम में तो गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि भीड़ इतनी होती है गाइस कि बहुत टाइम लगता है। और गाड़ी से तो कोई आने भी नहीं देता यहाँ पे। रात को भी आएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की लाइटिंग, बहुत जबरदस्त नज़ारा रहता है गाइस। शिव जी की मूर्ति देखी, ये बस थोड़ा सा बीच में है, हम अब और इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निकल चुके हैं हम लोग और इसके और ऊपर जाएंगे। ये देखिए हम तो अभी फिलहाल बीच में ही है, हमें और ऊपर चढ़ना है।
तो दिखाएंगे आपको। चलो भाई हम फाइनली पहुंच गए। यहाँ पे भी एक मंदिर है और यहाँ से दिखता है पूरा हमारा गांव। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे। ये हमने आपको दिखाया दिन में कि ये कैसा दिखता है, पूरा व्यू हमने कवर किया है। सो ये पहला पार्ट रहेगा गाइस। सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे ये शाम में कैसा दिखता है। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग लगा के रखी है, तो ये शाम में कैसा दिखता है ये आपको हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। तो देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा सेकंड पार्ट में भी। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करता हूँ और मिलते हैं शाम वाले ब्लॉग में।